हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही इजी और सिंपल सा नेक डिज़ाइन, जिसके लिए फ्रेंड्स हमने जी पेस्टिंग वाली बुक ली है। लेंथ इसकी हमारे पास 17 इंच है और बॉर्डर इसकी फोल्ड में वो 4 इंच है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम जहाँ पर अपने नेक की बोनस का निशान लगाएंगे 2.6 इंच, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लेंथ रखेंगे नेक की 7 इंच और इसे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम एक राउंड शेप देंगे। देखिए, ऐसे राउंड शेप देने के बाद नीचे हम 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और जहाँ से हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जी देखिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से। और नीचे भी हम सेम इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए। अब हम सेम इन निशानों के ऊपर नेक की कटिंग कर देंगे। जहाँ से भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। जी देखिए, इस तरह से जी हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम अपनी कुर्ती के साथ मैचिंग फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ऐसे पेस्ट करने के बाद अब हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, इस फैब्रिक को अंदर की साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद इस नेक को हम इस तरह से टर्न कर देंगे और इसका सेंटर का निशान लगाएंगे और ऊपर एक कट लगाएंगे इस तरह से, और एक हम बीच में निशान लगाएंगे ऐसे। अब हम अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड के ऊपर इस नेक को अटैच करेंगे। उसके लिए हम ऊपर दोनों साइड सेंटर पॉइंट से 2.6 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम नेक को इस तरह से रखते हुए एक इस तरह से सिलाई लगाएंगे ऐसे, और अब हम एक सिलाई सेंटर में लगाएंगे। ध्यान रखें जो हमारी कुर्ती का सेंटर है, सेम इस सेंटर के साथ मैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे, जिस सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पास पास इस तरह से लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को आपने डबल जरूर करना है, उसके बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम ऐसे नेक की कटिंग करेंगे। अब हम बीच में सी से कट करेंगे। ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है, वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम कटिंग करेंगे। अब हम जहाँ से छोटे छोटे नोचेस लगाकर इस नेक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे टर्न कर देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे।
अब हम सेंटर में पोर्टली बटन अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने काफ़ी सारे जो पोर्टली बटन बना कर रखे हुए हैं, ये हमने फॉर्म शीट से बनाए हैं। देखिए इस तरह से हमने जो एक फॉर्म शीट ली है, ये स्क्वेयर पीस में है 1.5 बाई 1.5 इंच की। देखिए इस तरह से अब इसको हम इस तरह से हमने जो स्क्वेयर पीस लिया है फैब्रिक का, इसको हम इस तरह से फोल्डर कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से सिरकते हुए निडल की हेल्प से इस तरह से एक टांका लगाएंगे। अब हम राउंड में इस तरह से धागे को लपेट देंगे और जहाँ पर भी हम एक नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पोर्टली बटन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब कट को बंद करने के लिए हमने जी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को हम इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम सेंटर में पोर्टली बटन अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम सिंगल फोल्ड यूज करेंगे। इस तरह से उसे अच्छे से सेट करने के बाद अब हम ऊपर एक पेन लगाएंगे, जिसके साथ हमारा जो नेक है ऊपर नीचे नहीं रहेगा, वो भी फिनिशिंग के साथ बनेगा। इस तरह से इसे अंदर की साइड पोर्टली बटन को ऐसे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से और सारे नेक के ऊपर हम सेम इसी तरह से पोर्टली बटन अटैच कर लेंगे। जो देखिए इस तरह से हमने पोर्टली बटन अटैच कर लिए हैं। अब हमने जो सिलाई लगाई है रफ, उन सिलाइयों को हम हटा देंगे तरपाई करने के बाद। अब इसको फिनिश कर देंगे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसके ऊपर, और जहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे टॉप स्टिच। देखिए इस तरह से जो हमारा पूरा नेक बनकर रेडी हो चुका है। नीचे तरपाई करने के बाद हमने रफ सिलाई भी खोल दी है और नेक इसके नीचे हमने इस तरह से एक छोटा टांका बढ़ते हुए इस तरह से पोर्टली बटन को नीचे फिक्स कर दिया है। और इसी के साथ ही हमारा जो नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए।